मुंबई की समता पुलिस ने दो ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो कथित रूप से शातिर चोर बताए जा रहे हैं। समता नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले कांदिवलीपुर के पोईसर इलाके में शिव मंदिर स्थित है, जहां कथित दोनों आरोपियों ने शिव मंदिर से शिवजी का नाग और कलश चुरा लिया। इसके अलावा मंदिर का घंटा और पूजा अर्चना की सामग्रियों पर भी कथित चोरों ने अपना हाथ साफ किया था। इसके अलावा मंदिर की दान पेटी में रखे हजारों रुपए की नकदी भी कथित बदमाशों ने चुरा ली और मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि इन दिनों देश में हिंदू धर्म का पावन महीना श्रावण का चल रहा है, जिसमें हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े लोग शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पोईसर इलाके में रहने वाले दो शातिर चोरों ने शिव मंदिर में शिवाजी का नाक और शिवजी का कलश सहित मंदिर में पूजा पाठ की सामग्रियां चुराई और मौके से फरार हो गए। लेकिन चोरी का ये मंजर मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर समता नगर पुलिस ने मंदिर के पुजारी शिव कुमार दुबे की शिकायत के बाद FIR दर्ज की और लगातार 8 घंटे तक किए गए अथक प्रयासों के बाद दोनों आरोपियों को उत्तर मुंबई में ही धर दबोचा। फिलहाल दोनों शातिर बदमाशों को समता नगर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। कुमार जय हरि दुबे, इन्होंने समता नगर पुलिस थाने में आके तकरार दर्ज की थी कि पोईसर में जो हनुमान मंदिर है वहाँ पे एक शंकर जी की मूर्ति है, और उस शंकर जी की मूर्ति के आजू बाजू में जितना ही पूजा अर्चना का सामान था, जैसे कि नाग, घंटिया और बाकी के सामान, ये सब चोरी हुई है। तो ये जब शिकायत दर्ज हुई समता नगर पुलिस थाने में, तब इसका आगे का तपास हमारे जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री नरेंद्र शिंदे जी साहब है, उनके यहाँ से मैं API उबाड़े और मेरे स्टाफ को वो आगे तपास के लिए मिल गया। हमने तत्काल ही घटनास्थल जाके वहाँ के मुआयना किया। मुआयना करने के बाद में हमारे जो खबरी है उनको ये सारी बातें बताई है कि ऐसी ऐसी चोरी हुई है। तो ये सब करते हुए, पूछताछ करते हुए, तभी हमारे एक गुप्त बातमीदार थे, उनकी तरफ से हमें एक मालूम आई कि पोईसर में ही रहने वाले दो लोग जिनका नाम मोहन गौड़ उर्फ काऊ और दूसरे आरोपी का नाम है नितेश नानालाल मुकोड़िया उर्फ काल्या, इनको हमने पूछताछ के लिए ताबे में ले लिया। उनको पूछताछ करते समय उन्होंने इस घटना की पुष्टि की कि उन्होंने उस मंदिर में जाके चोरी की थी। जब कंफर्म होने के बाद में हमने तब ताबे में लिया, ताबे में लेने के बाद में हमने